हेलो एवरीवन, अगेन आई एम विथ यू विद अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, क्लॉजेस के वीडियो के बाद में स्टूडेंट्स के कुछ रिप्लाई आए, बोले सर फ्रेजेस पर वीडियो बनाइए। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है फ्रेजेस पर बेस्ड है। मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस दोनों के बीच में डिफरेंस को बताऊंगा, दोनों का हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे क्लॉजेस जो है फ्रेजेस से डिफरेंट है। जनरली स्टूडेंट्स जो है इनके बीच में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर क्लॉजेस और फ्रेजेस एग्जैक्टली है क्या। तो तमाम प्रकार की चीज़ जो है आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस के साथ साथ नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस को भी समझाऊंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में डिफरेंस समझा दूँ ताकि आप जो है एग्जैक्टली कन्फ्यूज नहीं हो। इनकी ये होते गए फ्रेजेस का मतलब, देखो यहाँ मतलब लिखा वाक्यांश, वाक्य का अंश, मतलब ये कंप्लीट वाक्य नहीं होता है। और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स क्लॉजेस का उपवाक्य। दोनों बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाक्यांश होता है और ये आपका जो होता है वो उपवाक्य होता है, है ना। मैं दोनों के एग्जाम्पल लिख कर बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को लर्न कर पाएँ। जैसे मैं फ्रेजेस का लिखूँ, एक सबसे पहले, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, या चलो ठीक है ये ले लो, आई थिंक आप सबने प्रोवर्ब सुनी होगी, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। फ्रेंड्स, इसमें जो बार्किंग डॉग है दिस इज एक्चुअली ए फ्रेजेस, जिसे हम कह सकते हैं वाक्यांश। राइट, और ये तीन प्रकार का होगा। जैसे हमारी क्लॉजेस भी अलग अलग होती है, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस के तीन टाइप होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। इसी तरीके से आपके ये जो होते हैं फ्रेजेस, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब। राइट, फ्रेजेस आपके तीन प्रकार के। और इसी तरीके से क्लॉजेस को मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, राइट, और भी अलग अलग टाइप बताया, जिसमें मैंने स्पेशली आपको सबॉर्डिनेट क्लॉजेस में तीन चीज़ें बताई थी, क्योंकि यही मेन होती है। पहला इसी की तरह एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा नाउन क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो अब देखिए हम इस सबॉर्डिनेट क्लॉज में देखते हैं एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे द बॉय हु वॉज टॉकिंग विथ यू yesterday is my friend. Now you can see in this sentence, the boy who was talking, यहाँ से यहाँ तक ये जो statement है, now friends this is a clause, right? And the boy is my friend, this is a principal clause, and who was talking with you, it's a subordinate clause, जिसमें ये लड़के की हम एक बता रहे हैं कि जो आपसे बात कर रहा था, that's why this is the adjective clause, okay? सो फ्रेंड्स, वट आई एम टेलिंग यू कि क्लॉजेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड फ्रेजेस इज अ डिफरेंट थिंग। फ्रेजेस वाक्यांश होते हैं, क्लॉजेस जो होती है वो उपवाक्य होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। मैंने फ्रेजेस के टाइप्स भी बताए हैं, मैं आगे आपको डिटेल्ड फ्रेजेस के डेफिनेशन बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेजेस होते क्या हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ फ्रेजेस के डेफिनेशन के बारे में, एंड देन उसके बाद मैं आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में डिफरेंस बताऊँगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है और स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखिए आप, सबसे पहले फ्रेजेस वाक्यांश, देखिए वाक्यांश, वाक्य का अंश, ये वाक्य नहीं होता, इट्स नॉट अ कम्प्लीट सेंटेंस, राइट। एंड क्लॉजेस जो होते हैं उन्हें हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, तो आप इनके हिंदी मीनिंग से भी थोड़ा इनको आप समझ सकते हैं। देखिए, सो अ फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक फ्रेजेस जो होता है शब्दों का समूह होता है, विच गिव सेंस, जो सेंस तो देता है, विच मेक सेंस, विच गिव सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस, राइट। एंड इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं होता। सब्जेक्ट आप समझते ही हैं, जो कार्य को करे वो सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं, राइट। सो इसमें किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है। मेनली जो आपके फ्रेजेस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, लाइक क्लॉजेस, हम क्लॉजेस भी देखते हैं, वो भी तीन प्रकार की होती हैं। तो ऐसे ही ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेजेस, द एडवर्ब फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस, फ्रेजेस के तीन टाइप होते हैं। क्लॉजेस में भी हम देखते हैं, जो आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो तीन भागों में डिवाइड होती है,
एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज. तो उसी तरीके से फ्रेजेस जो होता है वो भी द एडजेक्टिव फ्रेजेस, द एडवर्ब फ्रेजेस एंड द नाउन फ्रेजेस. आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लॉजेस पर बेस्ड वीडियो नहीं दिया है तो इसी वीडियो के लिंक में के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो. उसमें मैंने क्लॉजेस पर डिटेल्ड ए टू जेड चीज़ें समझाई है. साथ में मैंने आपको फिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब्स पर बेस्ड भी वीडियो बनाया, उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. फिर से जितने भी चीज़ें रहती हैं एक्चुअल में एक टफ नहीं रहती है, इनको समझने वाली चीज़ें रहती हैं. मैं अगेन इसमें आपको जब समझाऊंगा तो बताऊंगा कि आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस को कैसे पहचानना है, नाउन फ्रेजेस को कैसे पहचानना है और जो आपके एडवर्ब फ्रेजेस उन्हें कैसे पहचानना है. तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, प्लीज सी. सो द एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस मतलब कि ध्यान रखेंगे आप कि जब आपका जो फ्रेजेस है, आपका जो वाक्यांश है वो एज अ एडजेक्टिव काम करे. और एडजेक्टिव का काम आप सबको पता होना है कि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना, राइट. द वर्ड्स दैट क्वालिफाई द नाउन, राइट, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस में आपके सामने प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पर लिखा है अ डार्क ग्रीन सूट, अ बार्किंग डॉग, माई क्यूट लिटिल डॉटर एंड क्वाइट ईजी. लेट्स फ्रेंड्स हम इनके एग्जाम्पल्स बनाते हैं. हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम एग्जाम्पल्स किसी का भी ले सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा है कवर्ड इन मर्ड, हम ले सकते हैं क्वाइट ईजी क्वेश्चन, अ ड्रिक, अ डार्क ग्रीन सूट, बार्किंग डॉग, माई क्यूट लिटिल डॉटर. जैसे आप कहेंगे माई क्यूट लिटिल डॉटर इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मेरी जो प्यारी लिटिल डॉटर है ग्राउंड में खेल रही है. सो हियर द माई क्वाइट लिटिल डॉटर इज एन एडजेक्टिव फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेजेस मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि इसके अंदर आपको किसी प्रकार से भी कोई मेन वर्ब नहीं दिखेगी, कोई प्रेडिकेट नहीं दिखेगा, कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा. ये अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, ये अपने आप में एज एडजेक्टिव काम करते हैं, राइट. सो देखिए ये अ डार्क ग्रीन सूट, क्वाइट ईजी क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ आपसे दैट वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन टू सॉल्व. फ्रेंड्स इसमें जो आपने यहाँ पर ये कहा क्वाइट ईजी क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली द एडजेक्टिव फ्रेजेस, राइट. तो एडजेक्टिव फ्रेजेस मतलब वो जो एक एडजेक्टिव के तौर पर वर्क करे. अब ऐसे देखिए नेक्स्ट आपको दिया है एडवर्ब फ्रेजेस, इसमें दिया है वेरी केयरफुली, क्वाइट ईजिली. अब मैंने आपको ध्यान आपको देना रहेगा क्वाइट ईजी क्वेश्चन एंड क्वाइट ईजिली, राइट. इसमें क्वाइट ईजिली फ्रेंड्स जो आपके एडवर्ब फ्रेजेस हैं, सरप्राइजिंगली वेल, नियर द टेम्पल, राइट. तो ऐसे और भी बहुत सारे जो कि एक्चुअल में एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें, वो सारी सिचुएशंस आपकी एडवर्ब फ्रेजेस में आती है. जैसे आपने कहा शी इज़ डूइंग हर वर्क वेरी केयरफुली, वो उसका काम बहुत ही सावधानी से कर रही है. तो कैसे कर रही है, बहुत सावधानी से कर रही है. सो दिस वर्ड वेरी केयरफुली इज एक्चुअली द एडवर्ब फ्रेजेस. ऐसे क्वाइट ईजिली, शी डिड एवरीथिंग क्वाइट ईजिली, उसने बहुत आसानी से सब कुछ किया. सरप्राइजिंगली वेल, आई वुड से दिस इज सरप्राइजिंगली वेल, राइट. सो काफ़ी अच्छा है सरप्राइजिंगली वेल. नियर द टेम्पल, शी वेंट नियर द टेम्पल, राइट. वो एक मंदिर के पास गई, सो दैट इज नियर द टेम्पल, मंदिर के पास में, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में. सो इस तरीके से जो भी सिचुएशंस होती है सारी की सारी आपके एडवर्ब फ्रेजेस में आती है. फ्रेजेस आप समझिए, अगेन आई वुड से कि जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अपने आप में एक मीनिंग को लेकर चलते हैं, बट ये एक इनके पास कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता जो कि क्लॉजेस में होता है. हमने देखा है कि क्लॉजेस में एक सबॉर्डिनेट सेंटेंस होता है, प्रिंसिपल सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आगे हम बात करते हैं नाउन फ्रेजेस की फ्रेंड्स. सो रीडिंग दिस बुक, टू डू सच अ थिंग, स्टीलिंग द मनी, ही इज स्कोरिंग 100 मार्क्स. तो ये जो है ये नाउन के रूप में वर्क कर रहा है. तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है. क्या से जो आंसर होता है, क्या रीडिंग दिस बुक, जैसे आपने कहा आई लाइक रीडिंग दिस बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है. तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका रीडिंग दिस बुक है, यू नो दिस इज द नाउन फ्रेजेस, ये आपका नाउन फ्रेजेस है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसे पहचानेंगे कि रीडिंग द बुक नाउन फ्रेजेस है कि एडजेक्टिव फ्रेजेस है कि एडवर्ब फ्रेजेस है, तो आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा करना है. आई लाइक व्हाट आई लाइक, क्या पसंद है मुझे, तो रीडिंग द बुक, रीडिंग दिस बुक, तो रीडिंग दिस बुक फ्रेंड्स दिस इज द नाउन फ्रेजेस. इसी तरीके से स्टीलिंग द मनी, हिज स्कोर 100 मार्क्स, जैसे मैंने कहा हिज स्कोरिंग 100 मार्क्स इन द एग्जाम
surprised all. He is scoring 100 marks in the exam. This complete statement is actually a noun phrases. Guys, ये पूरा का पूरा statement जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, पूरा का पूरा जो है आपका it's a noun phrases. Now you can see adjective phrases, adverb phrases and noun phrases. इनको पहचानने का तरीका, noun phrases क्या है? तो reading this book, to do such a thing, इस प्रकार की चीज़ें करना, stealing the money, his scoring 100 marks, you know, ये situations आपके noun phrases में आ रही है. Adverb phrases जिसमें कि आप very carefully, तो कैसे किया काम को उसने, she did his work very carefully, quite easily, तो ये भी how में आ रहा, surprising well how में आ रहा, near the temple तो where में आ रहा, तो how और where में जो answer आपके मिल रहा है वो adverb phrases में आ रहा है. और इसी तरीके से adjective में भी आप a dark green suit, कैसा suit तो बोले a dark green suit. और इसके साथ याद रखिए कि adjective में भी कैसा आता है, लेकिन कैसा के साथ में याद रखिए आपको noun भी apply करना होता है friends, राइट. और एडवर्ब फ्रेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, नाउन नहीं आता उसमें. देखो वेरी केयरफुल सिंपल आ गया, क्वाइट इजी सिंपल आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो आप क्वाइट इजी क्वेश्चन. अब इसी से डिफ्रेंशिएट आप कर लीजिए, क्वाइट इजी क्वेश्चन और दूसरा है आपका क्वाइट इजीली. इन दोनों में से अगर आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि कौन सा नाउन फ्रेजेस है और कौन सा जो है, सॉरी, इनमें से कौन सा अगर आपसे कहा जाए कि एडजेक्टिव फ्रेजेस और कौन सा एडवर्ब फ्रेजेस है, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि देखो जिसमें नाउन आया, नाउन क्वेश्चन नाउन है आपका, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए आगे जो लगेगा वो आपका होगा ये एडजेक्टिव फ्रेजेस. और ये क्वाइट इजीली, इसमें दोनों एडवर्ब आई है फ्रेंड्स, दिस इज द एडवर्ब फ्रेजेस, राइट. सो दिस इज द एडजेक्टिव फ्रेजेस, दिस इज द एडवर्ब फ्रेजेस. आप इजीली तरीके से इसको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इट्स टफ. होप फ्रेंड्स कि आप इसमें इस वीडियो में फ्रेजेस के बीच में डिफरेंस को समझे होंगे. इसमें आपको मैंने एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस के बीच में डिफरेंस को बताया. होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट इट. और वन मोर थिंग आई वुड से टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, ये फ्रेजेस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से बनते हैं. आपको कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है और आपसे कहा जाता है रिकग्नाइज दी, फाइंड आउट द नाउन फ्रेजेस हियर, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस हियर, फाइंड आउट द एडवर्ब फ्रेजेस ओवर हियर, एंड नाउ वी आर कन्फ्यूज्ड. सो आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू टू know the things well, or hope you have understood everything. Thank you so much for watching this video. Keep watching our video and keep learning well. Hope you have understood well. Thank you so much. Thank you to watch this video. Thank you so much.